चलते चलते हंसते गाते यूं कटे सफर जिंदगी का, सफर जिंदगी का। नमस्कार, सफ़र ज़िंदगी का शो में मैं आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। हमारे आज के अतिथि हैं द ग्रेट इंडियन लाफ्टर शो के विनर श्री सुरेश अलबेला। तो आइए हम आपकी मुलाकात इनसे करवाते हैं। सर नमस्कार। सर आपको काव्य की प्रेरणा किससे मिली? काव्य की प्रेरणा मेरा एक दोस्त था मेरे गांव में, तो कविताएं सुनाता था, तो मैं थोड़ा बहुत जब उसने कविताएं सुनाई तो उससे प्रभावित हुआ। फिर मैं धीरे धीरे कवि सम्मेलन देखने लग गया। दरअसल क्या था, मैं एक ऐसा बच्चा रहा हमेशा जो रात को 8 बजे सो जाता था। अच्छा अच्छा। उसके बाद मैं सो ही जाता था, मतलब कभी नहीं निकलता था घर के बाहर। मैंने कभी कोई प्रोग्राम नहीं देखा था, आर्केस्ट्रा ना कवि सम्मेलन। अच्छा। कोई भी प्रोग्राम नहीं देखा। तो एक दिन कुछ दोस्त थे वो कवि सम्मेलन दिखाने ले गए मेरे को। तो हाड़ौती के बहुत सारे कवि आए थे उसमें, कोटा के आसपास के, तो मुझे बहुत अच्छा लगा उस कवि सम्मेलन को देख के। तो मैंने सोचा कि यार ये ऐसा मेरे को भी करना चाहिए, मैं भी कर सकता हूँ। तो मैंने फिर दूसरे कवियों की कविताएं थी वो गुनगुनाने लग गया, याद करके उनको स्कूल में सुनाने लग गया। अच्छा। फिर कोटा का एक कवि सम्मेलन देखा मैंने, अखिल भारतीय। मैं कोटा आ गया था पढ़ाई करने के लिए। अच्छा। फिर वहाँ पे मैंने कवियों को सुना, सुरेंद्र दुबे जी को, हरिओम पवार जी को, तो बड़ा खुश हुआ मैं। तो फिर मैं धीरे धीरे, मुझे लोगों ने बताया कि भाई आप कविता लिखो, खुद ही लिखनी पड़ती है। अच्छा। उसको सुनाओ। तो फिर मैंने खुद लिखी और स्कूल में सुनाने लग गया, तो यहीं से प्रेरणा मिली। अच्छा, यहाँ से शुरुआत रहा जी। अलबेला जी आप किस शहर से हैं? मैं मूलतः तो जोत का बरवाड़ा से हूँ। मेरा गांव है सवाई माधोपुर में, रणथंबोर के आसपास, मूलतः वहाँ से हूँ और आजकल कोटा रहता हूँ। अभी कोटा ही हैं जी। जी, लाफ्टर शो में आप चैंपियन रहे, तो उस समय आपने कैसा महसूस किया वो आप हमारे दर्शकों को बताइए। जब मैं लाफ्टर शो में चैंपियन हुआ ना, तो मैं ज़्यादा खुश नहीं हुआ। अच्छा। क्योंकि मुझे पता था कि चैंपियन में बनूंगा, लेकिन फिर भी थोड़ी सी खुशी। अच्छा, तो आप पहले से? हाँ, मैं पहले से शोर था क्योंकि मैंने ऐसा आपको अपनी कला पे पूरा विश्वास था। कला पे भी विश्वास था और मैंने ऐसा किया था कि मैं चैंपियन बन जाऊंगा इसका। जी, जी। दो चार एपिसोड के बाद मुझे लगने लग गया था। अच्छा अच्छा। तो और खुशी तो होती है आप कुछ अचीव करते हैं, तो भाई तो कोई बात है। हाँ जी, वो क्षण आपके लिए? क्षण तो मेरे लिए वो गौरवमयी था, क्योंकि उसमें यहाँ का अपना, यहाँ का भी गौरव रहा है, आप वहाँ जीते हैं तो। हाँ, शहर का गौरव रहा, गांव का गौरव रहा, पूरे राजस्थान का रहा, क्योंकि राजस्थान में मेरे से पहले है ना कोई बड़ी सेलिब्रिटी था नहीं जी। मतलब इरफान खान भी उस समय पहुँचे थे जी, आज तो वो नहीं है हमारे बीच में। श्रेया घोषाल भी पहुँची थी और एक ख्याली जी हैं हमारे कॉमेडियन, वो भी पहुंचे थे। तो लाफ्टर चैलेंज में कोई नहीं पहुंचा था ऐसे, कॉमेडी के क्षेत्र में। कॉमेडी में आपका पहला नाम। हाँ, तो राजस्थान के गांव से निकल के विनर बनना है ना, छोटी सी जगह से लाफ्टर चैलेंज को जीतना है ना, बड़ी बात थी हमारे गांव के लिए भी, मेरे लिए भी, सबके लिए। तो मैंने वो कर दिखाया, क्योंकि लोग सोचते थे, मैं भी सोचता था कि यार कैसे ऐसा थोड़ी होता होगा, लेकिन मैंने सोचा चलो तो सही। हाँ। चलो तो सही, तो चले गए। अब दरअसल क्या हुआ कि मैं धीरे धीरे कवि सम्मेलन करने लग गया। इधर उधर मैं कवि सम्मेलन करता था, कवि सम्मेलन करते करते एक दिन लाफ्टर चैलेंज से फोन आया जी। बोले आपको लाफ्टर चैलेंज में आना है। मैंने कहा जी आ जाएंगे, आने में तो क्या बुराई है। तो बोले ठीक है, आपको ऑडिशन देना है जयपुर में, ऑडिशन। अच्छा। अब जयपुर में मुझे ऑडिशन देने के लिए जाना था, तो मेरे पास पैसे नहीं थे किराए के जाने, क्योंकि घर वाले तो ये कहते थे यार ये क्या होता है। हाँ। कवि सम्मेलन, लाफ्टर चैलेंज, इससे जिंदगी थोड़ी चलती है, नौकरी करो, पढ़ाई लिखाई करो, मतलब डॉक्टर बनो, पुलिस वाले। हाँ। बनो। हमारी फैमिली में सारे लोग है ना, या तो कोई पुलिस में है या फौज में है। अच्छा।
तो वो तो बस इसी को मानते हैं कि पुलिस में जाओ कि फौज में जाओ। अब मेरा इंटरेस्ट था नहीं जी, क्योंकि मैं बड़ा दुबला पतला था उस टाइम तो। अच्छा अच्छा, तो मेरा इंटरेस्ट ऐसे भी नहीं था उसमें, पढ़ाई से मेरा मन थोड़ा सा उछड़ गया था। तो उन्होंने लाफ्टर चैलेंज वालों ने कहा कि ऑडिशन देने के लिए आपको जयपुर में आना है। अच्छा, अब जयपुर जाने के लिए पैसे नहीं थे, एक लड़के से मैंने 100 रुपये उधार ले लिए। अच्छा। अब उस दिन दरअसल क्या हुआ कि एक महामूर्ख कवि सम्मेलन अच्छा। था जयपुर में, तो मेरे को उससे भी निमंत्रण आ गया कि आपको महामूर्ख कवि सम्मेलन में कविता सुनानी है। तो मुझे पता था भाई महामूर्ख है ना, जयपुर का बड़ा कवि सम्मेलन है, उसमें 1500-2000 कुछ तो मिलेगा। अच्छा अच्छा, मैंने कहा वो भी पैसे आ जाएंगे तो लाफ्टर चैलेंज का ऑडिशन भी अपन दे लेंगे। अगर उस दिन वो कवि सम्मेलन नहीं होता हाँ। तो मैं नहीं जाता। अच्छा, क्योंकि मेरे को तो थोड़ी सी अर्निंग चाहिए थी ना, तो मेरे पास 100 रुपये थे। मैंने कहा यार 100 रुपये में तो पहुँचेंगे नहीं, बहुत दिक्कत हो जाएगी। हमारे गांव में एक तालाब के पास सट्टा लगाते थे कुछ लोग। अच्छा, तो वो ऐसा लगता था, बोला आप 0 से लेकर 9 तक नंबर लगाना है। तो मैंने कहा 100 रुपये में तो क्या होगा यार, 100 रुपये में तो ऐसे भी मज़ा नहीं आएगा, अपन जाके जा तो सकते हैं, वापिस नहीं आ पाएंगे। मैंने कहा ये 100 का आप है ना मेरे 0 नंबर लगा दो, मेरी ज़िंदगी 0 हो रही है अभी। अच्छा अच्छा, तो उन्होंने 0 नंबर लगा दिया और सौभाग्य से मेरे 900 रुपये निकल गए, 9 गुना मिलते हैं उसमें। अच्छा, 900 रुपये लेते ही तो मेरे को आनंद आ गया। मैंने कहा चलो जयपुर। जयपुर जाके मैंने ऑडिशन दिया, उधर कवि सम्मेलन भी कर लिया। अब फ़ोन आता है मुंबई से थोड़े दिन बाद कि बोले आपको आना है मुंबई, लाफ्टर चैलेंज का ऑडिशन में आप सेलेक्ट हो गए, अब मुंबई आ जाओ। तो मुंबई में मैंने कहा आ जाएंगे साहब। बोले आपकी फ्लाइट कहाँ से करवानी है? मैंने कहा फ्लाइट? बोला हाँ, फ्लाइट कहाँ से करवानी? अब हालत ये थी कि हम तो ट्रेन के रिजर्वेशन में नहीं बैठा था, मैं एसी में नहीं बैठे थे, वो डायरेक्ट बोले फ्लाइट कहाँ से करवानी। मैंने कहा जी एक काम करो, कोटा से करवा दो। तो कोटा से तो हवाई जहाज उड़ता ही नहीं था, आज तक नहीं, फ्लाइट है ही नहीं, आज तक नहीं उड़ता। तो उस समय तो 2008 की बात, तो थोड़ी देर बाद फिर फ़ोन करते हैं चेक करके, बोले सर कोटा से तो कोई प्लेन उड़ता नहीं है। तो मैंने कहा जयपुर से करवा दो। अच्छा, तो जयपुर से उन्होंने मेरा टिकट करवा दिया। अब मेरे पास कोई आईडी प्रूफ नहीं था जाने का, न तो मेरे पास कोई पहचान पत्र, न कुछ, मेरे पास एक 10th की मार्कशीट थी। अच्छा, मैंने कहा इसको लेके चलते हैं अपन। तो वहाँ चले गए। वहाँ जाने के बाद भी मुझे है ना उन्होंने ऐसे रखा था कि उनके ना पूरे 45 लोग तो हो गए थे, 5 और उनको रखने थे। अच्छा, 50 की संख्या पूरी करनी थी, 50 चाहिए होंगे उसमें, 50 चाहिए थे उनको। तो बोले 4-5 और भर्ती के रखने थे, तो मैं भी उनके भर्ती वालों भर्ती में थे आप। हाँ, लेकिन जैसे ही पहला एपिसोड था, मतलब उन्होंने 10 ग्रुप बना दिए, 5 हर ग्रुप में 5-5 आदमी थे। तो एक में उन्होंने सोच रखा था भाई भारती जीतेगी। अच्छा, एक ग्रुप से, फिर दूसरे ग्रुप से ये जीतेगी, तीसरे ग्रुप से मस्की जीतेगा, चौथे से रास बिहारी जीतेंगे, ऐसे उन्होंने ग्रुप बना रखा था। उनको लग रहा था बोले इन इन से ये निकल सकते हैं, मेरा उन्होंने कहीं प्रेडिक्ट किया अच्छा, नहीं थी, बोले ये भी आ जाएगा। अब मैं जाते ही जीत गया उस ग्रुप से। अच्छा, अब टोटल हम 10 लोग हो गए, बोले जो जो विनर हुए अपने अपने ग्रुप से 10 लोग हो गए, 10 इकट्ठे हो गए, 3-4-5 उन्होंने वाइल्ड कार्ड से ले लिए, तो 15 हो गए। अब 15 का कंपटीशन होता था फिर एक साथ। अच्छा, मतलब 15 में से जो सबसे नीचे रहेगा वो निकल जाएगा बाहर। अच्छा, बाहर हो जाएंगे, बाहर हो जाएगा वो। तो निकल गया एक पहले राउंड में, तो मैं उसमें पहले ही राउंड में मैं 7वें नंबर पे आया। अच्छा, मैंने कहा यार ये तो बड़े संकट की बात है, आज अपन 7वें पे आए हैं तो कल 8वें पे भी आ सकते हैं, 10वें। मैंने कहा यार कुछ करो। तो फिर अगला एपिसोड हुआ, तो उसमें महिमा चौधरी आई थी। अच्छा, तो मैंने महिमा चौधरी आई थी तो मैंने एक सांड पे एक कविता थी जी, तो वो उनको सुना दी। अब वो ऐसी चल गई कि बहुत अच्छा हो गया। अच्छा, तो मैं उसमें जब
भारती ने परफॉर्मेंस किया तो उसको स्टैंडिंग ओवेशन मिला। ओके। सुगंधा को भी स्टैंडिंग ओवेशन मिला, सब खड़े हो गए तालियां। अच्छा अच्छा। मेरे को नहीं मिला। आपको नहीं? नहीं मिला, लेकिन जब कपिल शर्मा ने और चंदन ने नंबर सुनाए ना सब कंटेस्टेंट के, तो बोले भारती 47, अच्छा, पाकिस्तानी जोड़ी 47, सुगंधा 47, सुरेश अलबेला 48, 48 नंबर सबसे ज्यादा मेरे को मिला। अब मेरे अंदर है ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया। उसके बाद मैंने मल्लिका शेरावत और इमरान हाशमी भी कुछ संस्कृत में बनाया। अच्छा। और अगले एपिसोड में सुनाया जिसमें मनोज वाजपेयी हंसिका मोटवानी आए थे, तो सुनाते ही वो तो फिर ऐसा चला कि बहुत गदर हो गया उसमें, तो उम्दा चला वो, अच्छा था आपका। तो उस पे तो फिर नवजोत सिंह सिद्धू खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि आओ मेरे गले लग जाओ, और सबने मेरे को वहाँ पे गला लगाया। फिर मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया कि अब मैं इस शो को जीतूंगा। अब, भाई हाँ। अब जीतना तो दूर, पहले तो आपको हर बार एक निकल रहा है, अब 12 रह गए, 13 रह गए, फिर 11 रह जाएंगे। मैंने कहा यार मेरी लड़ाई ये थी, और लोग तो ये सोच रहे थे कि यार अपन लास्ट वाले पे नहीं आ जाए, 12 हाँ। पे तो निकलना पड़े। हाँ। और मैं सोचता था कि मैं सेकंड पे नहीं आ जाऊँ, मेरे को फर्स्ट फर्स्ट का था आपका, तो मैं फर्स्ट के लिए करता था लड़ाई। हाँ। और मैं हर बार फर्स्ट आता था, 4-5 एपिसोड, 7 एपिसोड में लगातार फर्स्ट आया। एक बार फिर मैंने परफॉर्मेंस की, उसमें मैंने शाहरुख खान की मिमिक्री करी थी। अच्छा। तो शाहरुख खान की मिमिक्री करी तो कपिल शर्मा और चंदन ने मेरे को कहा कि आज तो हम हंसते हंसते पागल हो गए, हम तेरे तो और एपिसोड में इतना नहीं हंसे थे, आज ज्यादा हंसे। अच्छा। मैंने कहा आज क्यों हंसे भाई? हाँ। बोले यार तुमने शाहरुख खान की मिमिक्री करी ना उस पे हंसे, तेरे को आती नहीं है। अगर तेरे को आती अच्छे से मिमिक्री, हालांकि मैं भी मानता हूँ मुझे नहीं आती, अगर आती ना तो उतनी हंसी नहीं आती, तूने जिस तरह से किया वो तो वो बहुत अच्छा लगा, तो हम हंसते हंसते पागल हो गए, और ये तेरी हमको बेस्ट परफॉर्मेंस लगी है, उन्होंने कहा। लेकिन उसी एपिसोड में मैं सेकंड आया। अच्छा अच्छा। क्योंकि वो 7 बार में लगातार फर्स्ट आ रहा था, तो एक बार सेकंड आया। तो ऐसे लाफ्टर चैलेंज चलता रहा। अब लास्ट में 4-5 लोग बच गए। अच्छा। पाकिस्तानी जोड़ी, भारती, मैं और रास बिहारी गोड़, श्रीकांत मस्की, ऐसे कुछ 4-5 लोग बच गए लास्ट में। अब लास्ट में क्या था कि एक था फिनाले और एक था ग्रैंड फिनाले। ग्रैंड फिनाले में आपको कोई नंबर नहीं दिए जाने थे, और अच्छा। बोल दिया भाई इसमें कोई भी एपिसोड में इसमें बाहर नहीं होगा। मैंने कहा ठीक है भाई बाहर नहीं होगा, तो सबने सोचा भाई बाहर तो होना नहीं है। तो सबने है ना थोड़ा अपनी अच्छी स्क्रिप्ट है ना वो ग्रैंड फिनाले के लिए रख ली, और जो कमजोर थी वो कि यार इसमें सुना देते, इसमें निकलना। हाँ। अच्छा मैंने सोचा यार, मैंने कहा देखो पब्लिक तो देखेगी। हाँ। मैंने यार मैं पब्लिक के लिए सुनाऊंगा, मुझे तो अच्छी अभी करनी है, ग्रैंड फिनाले जब होगा देखेंगे, 2 दिन का गैप रहेगा। तो मैंने अच्छी वाली परफॉर्मेंस कर दी जी। उसमें सारे कलाकारों को थोड़े कम नंबर मिले और मैंने अपनी अच्छी कर दी, मुझे उसमें भी उसमें अच्छे मिले। हाँ। अच्छा उसमें क्या था, उसमें आपको वोट मांगने थे उसी परफॉर्मेंस को। अच्छा, करके। अच्छा। कि आपको मेरी परफॉर्मेंस अच्छी लगी हो तो आप हाँ। मेरे को वोट करें। उस दिन भी मेरी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी थी तो लोगों ने मेरे को वोट किया, और फिर जब ग्रैंड फिनाले आया तो सबने अपनी अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट की थी, और उस दिन भारती ने भी बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस की। अच्छा। पाकिस्तानी जोड़ी ने तो और तगड़ी की, रास बिहारी जी ने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की। अब फिर मैं सबसे डरा हुआ था, मैंने कहा यार अपन ने तो अच्छी वाली पहले ही कर दी। लेकिन मैं क्या है, कॉन्फिडेंस बहुत था, तो मैं उस विश्वास के सहारे मैंने तैयारी की और फिर मैं उसको शो को जीत लिया। अच्छा वहाँ क्या था, मुंबई में हम जब तैयारी करते थे तो मैं तो आपको बताया ना मैं गांव का लड़का था, 8 बजे सो जाता था। हाँ। तो मैं मुंबई भी मैंने यही किया, मैं क्या करता था 8 बजे सो जाता था। अच्छा। तो सब सोचते थे यार ये तो कैसे शो जीतेगा, ये तो 8 बजे तो सो ही जाता है, ये लिखता कब है पंच, कब लिखेगा और क्या करेगा। अब उधर क्या है कि कपिल और चंदन है ना
उसमें पंजाब के आर्टिस्ट ज़्यादा थे हमारे शो में। अच्छा, लाफ्टर चैलेंज पंजाब, क्योंकि पिछले शो के विनर थे कपिल, रनर थे चंदन, फिर राजीव ठाकुर, सुदेश देवी, मतलब सारे पंजाबी लाफ्टर चैलेंज में छाए हुए थे, तो उन्होंने पंजाब के आर्टिस्ट ज़्यादा रखे। बोले पंजाब के कलाकार अच्छे भी होते हैं, ऐसी बात। तो मैं क्या है कि मैं तो 8 बजे सो जाता था, उधर कपिल और चंदन पंजाब के जितने भी आर्टिस्ट थे उनको सिखाते रहते थे, बोले ऐसे बोलना है, ऐसे बोलना है, हमारा तो संपर्क था नहीं। हाँ। तो वो उनको सिखाते रहते थे, पूरी ट्रेनिंग देते थे। मैं 8 बजे सो जाता था और मैं फिर उठ जाता था 4:30-5 बजे सुबह सुबह। तो मुंबई क्या है, सुबह सुबह शांत रहता है। हाँ। क्योंकि वहाँ पे रात को काम करते हैं और सुबह इतना जल्दी कोई उठता नहीं है, तो मैं सुबह सुबह घूमता रहता, टहलता रहता, और मैंने जो स्क्रिप्ट थी ना मैं उसको रट्टा मार लेता। अच्छा अच्छा। 7-8 बजे तक मैं घूमता रहता, रट्टा मार लेता उसको पूरा का पूरा। तो मैं देखो, सबसे दुनिया में महत्वपूर्ण चीज होती है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस है ना आदमी को महान बनाती है। आप जो निरंतर करते हो ना अभ्यास, वही आपको महान बनाता है। तो मैं 5 से लेके 7-8 बजे तक रटता रहता था, बोलता रहता था। तो 9-10 बजे में नहा धो के बढ़िया तैयार होके जाता था, फ्रेश होके यूं गर्दन करके। और वो लोग क्या है कि रात को बैठते थे और 3-4 बजे तक तैयारी करते थे, फिर सोते थे, फिर 10 बजे उठ के। उनकी शुरुआत आपसे लेट होती थी। हाँ, प्रैक्टिस आपकी पहले हो जाती थी। वो उंगते उंगते हाँ, जाते थे वहाँ। हाँ, पे वही। और मैं तो उठ ही जाता था। हाँ। और मैं प्रैक्टिस करके जाता था, तैयारी करके जाता था ना, तो इसलिए भी मैं थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आपका थोड़ा ज्यादा रहता होगा, क्योंकि हाँ, जो आदमी पूरा सो लिया। हाँ। और सुबह उठ लिया, इसलिए चाहिए कि सुबह जल्दी उठना चाहिए। हाँ। जिस कविता के माध्यम से सर आपने इतनी उपलब्धि हासिल की है, वो आप हमारे दर्शकों को जरूर सुनाइए। सबसे ज्यादा तो जो मैंने मल्लिका शेरावत पे सुनाया था, उस पर मुझे ज्यादा रिस्पॉन्स मिला था कि हिंदुस्तान की प्रख्यात अभिनेत्री है, प्रातः स्मरणीय चारु स्मिता, प्रतक्षणम रक्षम ददामी, वस्त्रम समर्प्यामी, वस्त्र विहारिणी, डील उघाड़नी, न्यून वस्त्र धारिणी, आदरणीय मल्लिका शेरावत। और हिंदुस्तान के प्रख्यात अभिनेता है, परम उत्तेजित रात्रि कालीन, कुशल सेनानी, यधर रम्यामी, सर्व हृदय गामी, नारी वस्त्रम भक्षणामी, लिपस्टिक चटखामी, महामहिम चुंबन स्वामी, आदरणीय इमरान हाशमी। सर, सफर जिंदगी का शो में आप आए, इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। सफर जिंदगी का जो आपने ये शो स्टार्ट किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप अलग अलग हस्तियों को जनता से रूबरू करवा रहे हैं, क्योंकि आजकल टेलीविजन पर ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है। पहले होता था एक रजत शर्मा का आपकी अदालत, तो आपकी भी अदालत और आपका भी सफर जिंदगी का बहुत अच्छा है, और इसको आप कंटिन्यू रखिए। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, सफर जिंदगी के दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।